खबर पिपरिया से। नगरी निकाय चुनाव में इस समय भाजपा, कांग्रेसी और आप पार्टी ने अपने अपने संकल्प पत्र जारी कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक चलकर अन्य दलों को पीछे छोड़ दिया है। पिपरिया नगरी निकाय चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी, आप पार्टी और कांग्रेसी अपना विजन आम जनता के सामने रखा है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 5 साल सत्ता में रहते हुए इनके द्वारा किए गए विकास कार्यों का इस संकल्प पत्र में जिक्र है। साथ ही नगर के वार्ड में बेहतर व्यवस्था, साफ सफाई, मजदूरों, गरीबों, महिलाओं और बेरोजगारों के लिए अपने 5 साल का भी जनसंकल्प पत्र के जरिए जारी किया है। वहीं आप पार्टी ने भी इन कुछ दिन पूर्व अपने संकल्प पत्र में शहर के विकास के लिए कई सारे वादे किए हैं। पक्की सड़कें, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए संकल्प पत्र में लिखा गया है। वहीं कांग्रेस ने आज मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने आज पिपरिया के आयशा मार्केट में कांग्रेसियों के साथ नगरवासियों के लिए कांग्रेस के विजन को बताया। श्री सुरेश पचौरी ने कांग्रेस के संकल्प पत्र में पिपरिया शहर की वर्षों पुरानी मांग जिला बनाने को समर्थन देते हुए नगर सरकार बनते ही प्रयास करने की बात कही है। वहीं शहर में मोहल्लों में वार्डवासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए क्लिनिक खोलने की बात कही है। महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारों को रोजगार, सड़क किनारे दुकानें लगाने वाले रेहड़ी वालों के लिए व्यवस्थित दुकानें सहित ट्रांसपोर्ट, नगर शहर के सुव्यवस्थित सुसज्जित मुख्य चौराहों का सौंदर्यीकरण, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे जैसे मुद्दों पर अपना संकल्प पत्र जारी किया है। वहीं कांग्रेस द्वारा पिपरिया को जिला बनाने को अपने संकल्प पत्र में शामिल कर आम जनता की वर्षों पुरानी मांग पर समर्थन मांगा है। कांग्रेस के इस मास्टर स्ट्रोक को अब देखना होगा कितना जनता का समर्थन मिलता है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत मजबूत है। कई बार ऐसा होता है कि सच बड़ा दिखता है और सामान्य व्यक्ति उसे पराजित कर देता है। अगर आप चुनावी विश्लेषण करें लोकसभा का, विधानसभा का और नगरीय निकाय का, आप ऐसे कई चेहरे भैया आपने मेरा सहारा दे दिया, वो नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के बारे में, नौजवानों के बारे में, आम इंसानों के बारे में जो जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया। प्रश्न ये उठेगा कि आप ये बात को उठा रहे हैं, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को हम आए दिन उठा रहे हैं, चाहे हम पार्लियामेंट के फ्लोर की बात हो, चाहे असेंबली के फ्लोर की बात हो, चाहे संगठन के जरिए सड़क पर ये मुद्दा उठाने की बात है। इसलिए मैंने आपके प्रति आभार व्यक्त किया कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी बात आपके जरिए। सर एक छोटा सा प्रश्न और है। आज आपने घोषणा पत्र जारी किया है, घोषणा पत्र की बात करें तो 2018 के विधानसभा में 2 लाख की कर्ज माफी की बात हुई थी, 2 लाख के कर्ज माफी की बात, जिसको भाजपा सरकार ने इतना उठाया कि आज वर्तमान में आपकी सरकार नहीं है। लेकिन 2013 में हम भाजपा सरकार बोले तो मोदी सरकार जैसे कहें उसकी थी, उसमें बात थी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य C2+50 देने की, लेकिन 7 सालों में इस पर कांग्रेस सरकार का कोई विरोध नहीं दिखा। तो यहाँ पे आप अपने को पक्ष में मजबूत देखते हैं, विपक्ष में किस नजर से देखते हैं, इधर पे आप क्या कहेंगे? मैं आपका आभारी हूँ कि आपने ये प्रश्न पूछा और मुझे बोलने का अवसर ये है कि हमने कर्ज माफी की बात कही और उसके अंतर्गत 27 लाख किसानों को कर्ज माफ हुआ, ठीक है, और ये स्वीकारोक्ति मध्य प्रदेश के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के शासन में। नंबर एक। नंबर दो, जो अगले चरण की कर्ज माफी होना चाहिए वो सरकार पूरा कार्यकाल रहती तो उसको करती, क्योंकि चरणबद्ध तरीके से हो रहा था। अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ। आपने कहा कंपेरेटिवली भाजपा जो कह रही थी वो नहीं कर रही थी, तो आपने क्या किया? भाजपा ने ये कहा था कि 50,000 रुपये तक के कर्ज माफ होंगे, भाजपा ने नहीं किया, भाजपा ने ये कहा था कि। खबर भारत वर्ष के लिए पिपरिया से राकेश सोनी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।